चलिए अब खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं, यानी वो स्टॉक्स जो कि आज लाइमलाइट में रहेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएससी में होने वाले प्रोबेबल बदलाव के बारे में। सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स में जो चेंजेस होंगे उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग और IOC इनको एंट्री मिलेगी। 31 मार्च से सभी चेंजेस लागू होंगे और IDO और BHEL ये निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर होंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद इनफैक्ट हम एक डिटेल में बातचीत करेंगे अभी BHEL पर कि BHEL के अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले इंक्लूजन एक्सक्लूजन को देखेंगे जो कि अप्रैल 2016 में हुआ था, तब से अब तक हमने देखा है कि जो शेयर्स निफ्टी से बाहर हुए थे उन्होंने 60% से लेकर 100% तक के रिटर्न दिए हैं और जो इंक्लूड हुए थे उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस पर बातचीत करेंगे आगे भी, लेकिन हरी ये IOC और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दोनों पर आपके कमेंट्स क्या हैं जो कि इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं 31 मार्च से? देखिए जनरली ये जो इंडेक्स इंक्लूजन्स होते हैं उनमें एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, पर जैसे आपने भी आपके एनालिसिस में सही कहा, लॉन्ग टर्म में एक्चुअली कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए इंक्लूजन से होता क्या है कि ये जो ग्लोबल ETFs और फंड्स ये MSCI को ट्रैक करते हैं, आई थिंक इनका वॉलेटिलिटी ये स्टॉक में आ जाता है। तो जनरली ओवर द लॉन्गर टर्म इट टेंड्स टू बी आइदर फ्लैट या तो वेरी स्लाइटली पॉजिटिव, बट जो ये इंडेक्स से बाहर जाते हैं जनरली दे टेंड टू आउट परफॉर्म। तो आई थिंक IOC और IBH में शायद से एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ेगा, आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में इनके MSCI इंक्लूजन से कुछ खास फर्क पड़ सकता है। किरण, इस बीच बैंक इंडेक्स में भी थोड़े बहुत बदलाव हो रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी से बाहर हो रहा है लेकिन IDFC बैंक निफ्टी के इंडेक्स में शामिल हो रहा है। इन दोनों पे आपका कमेंट चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया और IDFC। IDFC पे मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। टेक्निकली IDFC एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और बल्कि थोड़ा सा नेगेटिव रुझान ही देखने को मिल रहा है। IDFC में इम्पोर्टेंट है कि 54-56 का लेवल निकल जाए तभी इसमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। वहाँ पे IDFC का अगर हम IDFC बैंक के बारे में बात करें तो IDFC बैंक में 60 और 66 ये एक रेंज है। 66 के ऊपर चलता है तब IDFC बैंक में कुछ अच्छा रुझान देखने को मिलेगा, पर इन जनरल अगर कहे तो IDFC बैंक दोनों ही नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो मुझे इधर कोई ज्यादा उम्मीद अभी तो नहीं है जहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ बता नहीं रहे हैं। जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखे तो अच्छा करेक्शन दिखा है। 138 से लेके 125 ये सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन है जहाँ पे हमने रैली देखी थी करीबन 103 से 140 तक। तो अगर ये लेवल 123-125 के लेवल सस्टेन करता है एंड 129 के ऊपर चलता है तब तो मुझे लगता है कि एक बार 138-142 के लेवल देखने को मिल पाएंगे इन द मीडियम टर्म। तो दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स में ऐसे कुछ खास अभी तो नजर नहीं आ रहा है जहाँ पे मैं बाय रिकमेंड करूँ। जी, ये भारत फोर्ज पर आपके कमेंट्स क्या होंगे हरी? ये स्टॉक भी एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है और कल का मूव आप देखिए 61 रुपये बढ़कर 6% की तेजी स्टॉक में दिखी और पिछले 2-3 दिनों से स्पेशली ज्यादा बस कर रहा है। मिड कैप 50 इंडेक्स में भी अब ये शामिल हो रहा है, क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पर, स्पेशली जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है इसकी उसके बाद? नहीं, भारत फोर्ज ऑलरेडी आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब है और हम लोग ये स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव है। इसके दो कारण हैं। हमारा मानना है कि जो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा थ्रस्ट डिफेंस पे आ रहा है उसका ऑलरेडी आई थिंक ऑर्डर्स स्टार्टेड फ्लोइंग इन टू भारत फोर्ज, और हमने L&T के केस में देखा कि उन्होंने ऑलरेडी 10,000 करोड़ का बिजनेस डिफेंस बिजनेस का टारगेट लगाया और आई थिंक जो डिफेंस ऑर्डर्स आएंगे जो मेक इन इंडिया के ऑर्डर्स आएंगे उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत फोर्ज पर पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगले 1-2 साल में जो भारत फोर्ज पर मूवमेंट आएगा दैट विल बी लार्जली ऑन द बैक डिफेंस बिजनेस। सो हम लोग डेफिनेटली भारत फोर्ज इवन एट दिस लेवल्स पे पॉजिटिव। ठीक है, स्पेस सीमेंस को लेकर भी एक खबर आई है कि 119 करोड़ रुपए का उन्होंने एक ऑर्डर जीता है और एक कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इनको एक ऑर्डर मिल सकता है, भले इनकी डिवीजन हमको उस समय क्लियर नहीं थी लेकिन अब समझ में आया कि स्टरलाइट पावर ग्रिड से वेंचर्स इनको ऑर्डर मिला, तो इनके जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन है उनको ऑर्डर मिला है करीब 119 करोड़ रुपए का। सीमेंस का एक बार आप चार्ट देखिए किरण, कितना ठीक लग रहा है आपको ये पैटर्न है डिम्पी जी? 3 फरवरी को उसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वो लेवल करीबन 1180 का था, उसके बाद करीबन 1240-1250 तक गया और उसके बाद वापस ये लेवल टेस्ट करने के लिए नीचे आया। तो मुझे लगता है कि ये चार्ट पैटर्न तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कोई अभी लॉन्ग करता है तो इसका स्टॉप लॉस करीबन 1185 का रहेगा पोजिशनल ट्रेड के ओर से, और टारगेट्स के लिए हम अगर 1 महीने का समय देते हैं तो करीबन 1300 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए।
लेकिन आज का दिन शायद प्राइवेट बैंक्स के लिए हो सकता है। कल पीएसयू बैंक्स खबरों में थे, लेकिन आज प्राइवेट बैंक्स एक्टिव रह सकते हैं। एक तो एचडीएफसी बैंक, जहां पर एफआई बैन लिमिट हटाई है आरबीआई ने, और दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, जिस पर जो मर्जर की खबरें हैं वो पिछले एक महीने से काफी गर्म है। हालांकि दोनों ही मैनेजमेंट्स की ओर से डिनायल आया भी है, लेकिन सीएलएससी ने इस पॉसिबल मर्जर को लेकर एक एनालिसिस पेश किया है। ये एनालिसिस पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उदय कोटक ने खास बातचीत की हमारे साथ, वो भी आपको सुनवाएंगे। रजत, पहले बताइए सीएलएससी का क्या कहना है इस पॉसिबल मर्जर को लेकर। जी बिल्कुल, अरे आपने पहले ही बता दिया कि दोनों मैनेजमेंट ऑलरेडी खंडन कर चुके हैं, लेकिन अगर ये मर्जर हुआ कोटक और एक्सिस का, तो ये देश का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ी एंटिटी बनती हुई नजर आएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। और दोनों ही स्टॉक्स पे आउट परफॉर्म रेटिंग दी गई है। एक्सिस बैंक पे आउट परफॉर्म रेटिंग दी है सीएलएससी ने, लक्ष्य है 550। कोटक महिंद्रा बैंक पे आउट परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य है 950। तेजी बढ़ सकती है, और ये जो मर्ज एंटिटी होगी, अगर ऐसा हुआ तो 12,000 करोड़ US डॉलर का एसेट बेस होगा, जो देश का सबसे बड़ा बैंक कहलाएगा। कासा और लोन्स 6% का मार्केट शेयर होगा, जो किसी भी बैंक नहीं है इस समय। और ये जो सिनर्जी होगी, जो इंटीग्रेशन होगी, ये पहली बार ऐसा होगा। इनफैक्ट एक्सिस बैंक की पकड़ बहुत स्ट्रांग है रिटेल सेगमेंट में, कोटक महिंद्रा बैंक कि यहाँ जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो कारोबार काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये सिनर्जी इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग ड्राइवर दोनों ही बैंक्स के लिए साबित होगा, तो ये मर्जर बहुत बेहतर माना जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट में इजाफा होगा, लेकिन कोटक के प्रमोटर की हिस्सेदारी आरबीआई सीमा से ज़्यादा घटेगी। जो स्वैप रेशियो दिया जा रहा है, जब ये अगर मर्जर हुआ तो एक्सिस बैंक के 3 शेयर्स के बदले कोटक महिंद्रा बैंक का 1 शेयर मिलेगा, यानी कि आप 1 शेयर के बदले 0.6 शेयर्स का एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव है और दोनों ही स्टॉक्स पे आउट परफॉर्म रेटिंग दी गई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ठीक है, सीएलएससी ये भी कह रहा है कि आउट परफॉर्मेंस भी होगी, और साथ ही साथ सीएलएससी का ये भी मानना है कि अगर ऐसा होता है तो दोनों अलग अलग सिनर्जी में अपनी यूएसपी जो लेके आएंगे, अगर मर्ज होते हैं तो नो डाउट ना केवल ये बड़ा बैंक इमेज के हिसाब से बनेगा, बल्कि कामकाज के लिहाज से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें एसबीआई को लेकर कुछ चिंताएं थी, वो कम से कम इस मर्जर में तो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि दोनों की यूएसपी अलग अलग है। उदय कोटक ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं उन्होंने। आपको जिस तरह की प्रोटेक्शनिज्म की जो खबरें आ रही हैं, कितना कंफर्टेबल मानते हैं आप इंडियन इकोनॉमी को, ताकि वो सेल थ्रू कर सके इस डिफिकल्ट टाइम्स में? दुनिया प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रही है, खासकर से अमेरिका, यूरोप और बहुत सी कंट्रीज। ये समय पे इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है एंड अपनी डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया शुड कंटिन्यू टू बी ओपन, फ्री, गोइंग अहेड विथ रिफॉर्म एंड कंटिन्यूइंग ऑन आर पाथ ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोथ, एंड मेरे हिसाब से इंडिया इज इन अ वेरी गुड पोजिशन। सर, आपने बात की कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है और जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें अभी भी इतना लिबरलाइजेशन नहीं देखने को मिला है, जब से हमने बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत देखी है। किस तरह के रिफॉर्म्स आप चाहते हैं आने वाले समय में, क्योंकि एनपीए जैसी बड़ी समस्या भी है बैंकिंग सेक्टर के सामने फिलहाल? मेरे हिसाब से आई थिंक दिस जो स्ट्रेस बैंकिंग सेक्टर पे है, उसका सोल्यूशन निकलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग मस्ट लेंड टू बिजनेस, टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस फॉर ग्रोथ, फॉर मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी ग्रो फास्टर। तो ये बैंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो स्ट्रेस पास से है वो क्लियर करने की ज़रूरत है।